दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या केवल FIR दर्ज होने से पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई दुश्मन हो, कोई आपसे जलता हो और आपको फंसाने के लिए, कानून के लपेटों में आपको लेने के लिए आपके ऊपर झूठा छेड़खानी का ही केस दर्ज किसी से करवा दे, आप पर गंभीर आरोप लगा कर केस दर्ज करवा दे, तो क्या यहाँ पर पुलिस आएगी और आपको सीधे पकड़ कर लेकर चली जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई गंभीर अपराध का केस दर्ज करवा देगा तो फिर पुलिस यहाँ पर निश्चित ही मुझे पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको पहले कुछ बातों को समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपराध को दो श्रेणी में रखा गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। यानी आप यूँ आसान भाषा में समझिए कि एक गंभीर किस्म का अपराध का श्रेणी और दूसरा छोटा मोटा अपराध, जैसे हत्या, लूट, अपहरण, रेप, यह गंभीर किस्म का अपराध है। यह किसी के जान का क्षति कर सकता है, समाज में गलत मैसेज देता है। अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे, चाटा जड़ दे, गाली दे दे तो छोटा किस्म का अपराध के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर अगर कोई जाकर आपके ऊपर छोटा मोटा किस्म का अपराध का केस दर्ज करवाता है तो यहाँ पर पुलिस पहले जो भी शिकायतकर्ता होता है उसे सलाह देती है कि आप पहले कोर्ट जाएं और कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि जो छोटा मोटा अपराध होता है उसमें पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। वह सलाह देती है कि आप पहले कोर्ट जाइए। और अगर कोई गंभीर किस्म का अपराध होता है तो कानून ही पुलिस को बाध्य करता है कि आप बिना कोर्ट के आदेश के भी FIR दर्ज कर सकते हैं, अपने बेग से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और अगर आवश्यक हो तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर एक्स जो है वाई के खिलाफ जाकर ऐसे ही अपने मनमर्जी से झूठा केस दर्ज करा दे तो यहाँ पर पुलिस आएगी और वाई को पकड़ के ले जाएगी। ऐसा नहीं है, पुलिस को पहले कोई ग्राउंड होना चाहिए, पुलिस के पास यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है। पुलिस के पास यहाँ पॉइंट होना चाहिए कि वह उसे पकड़ रही है तो आखिर किस आधार पर पकड़ रही है। केवल केस दर्ज कर देने से पुलिस कतई नहीं पकड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई ऐसा अपराध का केस दर्ज होता है जिसका कि सजा 7 वर्ष तक है और अगर गिरफ्तारी करना बहुत ही आवश्यक है तभी गिरफ्तारी की जाए, ऐसे गिरफ्तारी नहीं की जाए। एक चीज़ और आपको देखने को मिलता होगा कि पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाती है और फिर छोड़ देती है। यहाँ पर होता यह है कि पुलिस बोंड भरवा लेती है। कई सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें कि बेल बोंड भरवा कर आरोपी को थाने से ही छोड़ने का प्रोविजन है, आरोपी का यहाँ अधिकार है। तो कई सारे केसेज में पुलिस जो है बेल बोंड भरवा कर आरोपी को थाने से ही छोड़ देती है। थाने से बेल लेना यहाँ पर आरोपी का अधिकार बन जाता है। तो देखिए अगर आपके ऊपर कोई कितना भी गंभीर किस्म का अपराध का केस दर्ज करवा दे लेकिन अगर पुलिस को यहाँ लगेगा कि आप आरोपी हैं, आपने ऐसा किया है, कोई ग्राउंड मिलेगा, कोई पॉइंट मिलेगा तभी पुलिस गिरफ्तार करेगी। ऐसे ही कोई अगर आपके ऊपर जाकर कुछ भी मनमाने तरीके से केस दर्ज करा देगा तो पुलिस यहाँ पर नहीं गिरफ्तार कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो आप पहले ही अपने वकील से बात करें और आप पहले ही सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लें। अगर एंटीसिपेटरी बेल लिए रहेंगे तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, हमारा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।